आ जाओ, ओ गए गए भैया है। हेलो गाइस, वेलकम टू नूब व्लॉगर्स। क्या आ रहा है, होप सब बड़े होंगे बिल्कुल हमारी तरह। लास्ट व्लॉग आपने देख लिया होगा कि हम लोग वाई चीन आ चुके थे, नहीं देखा तो ऊपर आई नोटिफिकेशन में आ जाएगा। एक बार देखे आना सब लोग, डिफिकल्टीज हुई थी ऊपर आने में। तो अब हम लोग खाना वाना सब नाश्ता कर चुके हैं, अब नीचे उतरने की तैयारी चल रही है। नीचे उतरेंगे, जितनी डिफिकल्टीज ऊपर चढ़ने में थी उससे ज्यादा डिफिकल्टीज नीचे उतरने में है, क्योंकि नीचे उतरते वक्त हमको स्लिप बहुत होने के चांसेस है, और डायरेक्ट स्लिप हुए तो रुकेगा नहीं कहीं पे भी आदमी, डायरेक्ट नीचे जाकर रुकेगा नदी में, वो भी बहुत रिस्की है। ये सीन सही है भाई की जितनी यहाँ पे ठंड है ना, जितनी बर्फ दिख रही है उतनी ही यहाँ पे धूप पड़ती है, जितनी ठंड पड़ती है उतनी ही धूप पड़ती है, जल्दी जल्दी सूख जाता है अगर आपको जूते तो सुखाना। निकलना चालू हो चुके हैं, ये था अपना कॉटेज जिसमें अपन रहे थे, सब लोग आ रहे हैं, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं अकेला निकल रहा हूँ क्योंकि ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं, मुझे जल्दी नीचे पहुंचना है। चलो आ जाओ। जहाँ हम रुके थे उस जगह का नाम था रिवर्स पॉइंट, अब नीचे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे, फटाफट नीचे पहुंचना हमको क्योंकि नेचर कॉल है ब्रो, यहाँ नहीं निकल रही, यहाँ नहीं हो रहा भाई, अपन से बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा भाई, सिर्फ मुंह धोया सुबह से और कुछ नहीं कहना, निकल रहे नीचे के लिए। आ जाओ भाई आ जाओ। गायब होगी जहाँ पे हम रुके थे वो जगह, पीछे छुप के जाके वो गिरा 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 फुल पावर से, अब यहाँ से निकलना नीचे, अब देखना कैसे गिरेंगे क्योंकि मैं भी यहाँ गिरा, मैं जस्ट अभी भी यहाँ गिरा, अभी इन लोगों को देखते हैं। हाँ भाई आ जाओ। अरे यार तो भैया आ रहे हैं, ये तो गिरेंगे ही नहीं। आ जाओ, ओ गए गए भैया भी गए, भैया भी गए, भैया नहीं जाते भैया थोड़े तो गए, मैं भी इतना ही गया, गए गए फिर गए फिर गए। आ जा यार, अरे कोई नहीं मेरे घर पर, धीरे धीरे आंदे ना, आ जा। क्या थंबनेल कैसे मिलेगा फिर मेरे को, चलो आगे चलो आप। ये गया एक और, चलो चलो आ जा आ जाओ। ओए क्या कर रहा है, अबे गिरते गिरते कैसे आ रहा है। मिडिल स्टॉप लिया है हम लोगों ने ऐसे ही पानी वानी पीने के लिए, और भैया हमको मिला रहे हैं मनाला की गाय से, भैया गुस्से में लग रही है, बहुत प्यारी गाय है, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। ये मिलाने की गाय है हमारी, इसके बाल देखो भाई कितने फर है, सुंदर बाल है देखो। और गुस्से में भी है ये भी देखो। बाकी भैया अभी अपना ट्रैक, अभी भाई जी अभी एक घंटा नीचे को उतरने को लग जाएगा, बस एक घंटे में पहुंच जाएंगे डैम तक या फिर उसके आगे तक, डैम तक तो लग जाएंगे 45 मिनट ना, आगे को आधा घंटा और रखो, एक घंटे से ज्यादा ही रखो। चलो भाई 1.5 घंटे में हम नीचे होंगे, सब बैठे हुए ऐसे, शक्ल ऐसे क्यों बना रहे कि थक गए जल्दी यार, पड़ रही है भाई मुंह पे, हमारा आधा रास्ता कवर होने को है, वो दिख गया डैम पूरा, वो आधा रास्ता हो जाएगा ये, तुमको भी दिखाऊं क्या करोगे तुम, मेहनत कर रहे थे, कौन सी मेहनत कर रही तुम लोगों ने। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से उतरना है पूरा, यू उतरते हुए ये पूरी ऐसी स्लिपरी है, ये सबसे डिफिकल्ट रास्ता ये पेड़ वाला, हर बार गिर गया, सब गिरते पड़ते आ रहे इस रास्ते से, वो तो शुक्र है कोई ज्यादा तेज ना गिरे वरना तो साथ ही हाथ बढ़ाना। ये ये तो रुक गई, चलो पर तू नहीं रुक पाएगा, ये तो रुक गई, तू नहीं रुक पाएगा, ये तो चलो हमारे भैया खतरों के खिलाड़ी हैं, तो पर तुम लोगों को खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना ब्रो, आ जाओ इसलिए मत भाई मेरे ऊपर ही आएगा वरना। तो सिर्फ 20% रास्ता और बचा है, 80% हम लोग कवर कर चुके हैं, अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर विजिबल है डैम, डैम से आगे हमको 2 किलोमीटर और वॉकिंग ट्रैक करना है, उसके बाद मिलेगी 4x4, फिर 4x4 हमको आधे किलोमीटर पहले उतार देगी, तो हमें आधा किलोमीटर का और ट्रैक करना है, टाइम हो चुका है, वो आधा किलोमीटर पैदल इसलिए उतारी क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा, जिसे नहीं देखा हो जाके देखिए, ये वहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए एक रास्ता बंद कर दिया है, और जो खड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है वहां से हमको जाना पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते पे ऑफ रोडिंग नहीं हो रहा है। तो डैम क्रॉस कर लिया हमने, अब हम लोग यहाँ पर है, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता बचा है, पर यहाँ पे हमको चुपचाप साइलेंटली चलना है क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर पूरा नीचे आ जाता है, तब हम स्पीड पकड़ेंगे, यहाँ से रेस्ट कर रहे थे थोड़े बहुत। ओ अब ये मलाना का रास्ता और गाड़ी आ चुकी है, अब हम लोग निकल रहे हैं इन लोगों के पास से, बहुत सही है, किसी को भी वाई चीन आना हो इन लोगों से कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, ये देख लो आप माइल स्टोन कैफे, टैक्सी से लेके दुकान तक सब करवा देंगे, खाना पीना रहना, और लोग भी सही है। चलो भाई बाय बाय करते हैं इस जगह को, अभी नीचे भी ट्रैक करना, ओए चपरी। तो अभी भी हमको नीचे उतरना है, थोड़ा सा ट्रैक करना नीचे वाला, वो थोड़ा सा डेंजर है, तो देखते हैं अब कैसा होता है। तो गाड़ी से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं जो ट्रैक बाकी था थोड़ा सा, और भाई थक गए भाई, दो ट्रैक करना है भाई, दो कौन सा, वो नेक्स्ट ट्रैक, तो ट्रैक तो वो बताने का थोड़ी ना है अभी, तो ये जो बताने का है वो बताओ गाइस को। तो चलो समझो बात को, समझो बात को, ये लोग सामान के साथ चढ़ रहे 10-10 किलो 20-20 किलो उठा के, सामान लेके आ रहे, वो देखो नीचे से और ला रहे हैं, ये 10-10 किलो 20-20 किलो उठा के चढ़ जाते हैं उतर जाते हैं, और हम लोग को देखो इतना समय डर रहे हैं हम लोग, पर ये स्लिपरी है भाई,
हाँ वो पता लगे इन लोगों को हैबिट भी है ना यार, स्लिपरी है, पीछे का पैर दबा के चलना। तुम्हारा गाइड मैं हूँ अब। हाँ भाई तो देख लो ये लड़का नीचे पहुंच चुका है और कैसे बैठा हुआ है, प्रेशर आ रहा है क्या? तो हम चार से पांच हो चुके हैं, एक साथी और शामिल हो चुका है, ये भी कसौल जा रहा है। चल रहा है कसौल? कसौल चलेगा, लेट्स गो कसौल ब्रो। तेरा खर्चा मैं उठाएगा, तेरा खर्चा। मुझे रॉकेट की याद दिला रहा है। वाइचिन की मैजिक वैली से निकलने के बाद हम लोग आ चुके हैं कसौल से होते हुए सामान उठाते हुए चलाल में, कैंप के अंदर बैठे हुए सबके सब, सबकी हालत खराब है, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब सोएंगे अब, डायरेक्ट पड़ेंगे बिस्तरों पे। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत ओपी होने वाला, जैसे अभी ये सारी सीरीज आई है जो पूरी ये हुई है ये भी पूरी देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।